नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि पानी का अपघटन कैसे होता है। आइए दोस्तों, हम इसको एक प्रयोग के द्वारा समझते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें कुछ सामान चाहिए, जैसे 9 वोल्ट की बैटरी इजीली हमें मार्केट में मिल भी जाती है, एक डिस्पोजल यानी कि हमें कोई कटोरी वगैरह या मेटल की चीज नहीं लेनी, और एक बैटरी कैप। आप चाहे कांच या ग्लास भी ले सकते हैं, डिस्पोजल ले सकते हैं, प्लास्टिक का भी ग्लास ले सकते हैं। दोस्तों दोस्तों ये जो कैप होती है, इसको हम बैटरी पे फिक्स कर सकते हैं आसानी से, और हमारा जो आउटपुट जो बैटरी की वायर्स होती है, यहाँ पे हमें डीसी वोल्ट मिलने लगते हैं। यदि दोस्तों हम इन डीसी वोल्ट को पानी में डिप करते हैं, तो हमें कुछ दिखाई देता है, हमें एक छोटे छोटे बबल्स होते हैं वो दिखाई देते हैं। आइए दोस्तों हम करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हम पानी में डालते हैं, तो हमें इसमें से कुछ बबल्स बनते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों ये क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, किस कारण से बनते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये जो भी प्लस और वायर माइनस वाली वायर्स होती है, जैसे हम इसको पानी में डालते हैं, तो एक तरीके का इसके अंदर रिएक्शन होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव वायर के अंदर से निकलते हैं, और जो प्लस वाली पॉजिटिव वायर होती है उसके अंदर से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, और नेगेटिव वाली में से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो ब्लैक वाली वायर होती है उसमें से काफ़ी तेज़ी से बबल्स निकल रहे हैं, यानी कि उसमें से हाइड्रोजन गैस होती है वो निकलती है, जो हवा में उड़ती है, हमारे गुब्बारों में डलती है, दोस्तों हाइड्रोजन गैस होती है। और जो रेड वाली वायर होती है उसमें से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो प्लस वाले सिरे में से होते हुए माइनस वाले सिरे तक जाते हैं। इस बीच के अंदर जो पानी का अपघटन होता है, उस वजह से जो हमारी प्लस वाली वायर होती है वो एनोड बन जाती है, और जो माइनस वाली वायर होती है वो कैथोड बन जाती है। देखिए दोस्तों, काफ़ी तेज़ी से इसमें बबल्स निकल रहे हैं। तो दोस्तों एनोड और कैथोड इस तरीके से ये चार्ज हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं इसमें नमक, जो सॉल्टेड वाटर होता है, उसमें भी करके आपको दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, सॉल्टेड वाटर के अंदर भी बबल्स अच्छे निकल रहे हैं। और दोस्तों अब हम करते हैं एक डायरेक्ट, जो 220 वोल्ट होते हैं उसको हम इसमें डाल के देखते हैं तो क्या होता है। दोस्तों सेम प्रोसेस हो रहा है, दोनों में से गैस निकल रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसमें जैसे हम डायरेक्ट सप्लाई अगर 220 वोल्ट को देते हैं, तो आप थोड़ा दूर रहिएगा क्योंकि इसमें झटका भी लग सकता है, और जैसे हम प्रोब को बाहर निकाल के देखेंगे तो हमारा पानी भी थोड़ा बहुत गर्म हो जाता है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। कुछ कमेंट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक्स।